Hey everyone, welcome back to our channel Ragni. The vlog start कर covering God वाले की excitement super. Covering God वाले की excitement super. आज हम बनाने जा रहे हैं एक. Hey everyone, welcome back to our channel. तो आज हम बनाने जा रहे हैं birthday vlog, जो कि दीदी का birthday है आज. आज नहीं, कल birthday है. अभी आज बज रहे हैं रात के 10:20. और हम दीदी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, जो कि दीदी को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं है हम दोनों से. और हम रात के 12 बजे को उसको पीटने वाले हैं ठीक से, जो कि वो अभी 24 इयर्स की होने वाली है, 23 वो कंप्लीट करने वाली है. उसको हम कस के बजाएंगे. और तो हम लोग सीधे आपसे मिलते हैं रात के 12 बजे. हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. उठा, खोल खोल रहा आ खोल. पहली बात तो ये कि तू भी लेके चाहे भाई ना खोले रे. कपड़ा मिला है मुझे. तो हम हैप्पी बर्थडे फैमिली तान तान. उसको ना ही खोलो तो बेहतर रहेगा. ये भी काम है. हाँ, ये काफी स्वीट था. पूरा बजट वन कॉटी का वा टोटल 490 रुपया. दीदी को मैंने सारा गिफ्ट दे चुकी हूँ अब तक. और ये अभी तक मेरे को उठाना बोल के ये सो चुकी है. और सारा कुछ हो चुका है. केक वेक का कोई इंतज़ाम नहीं है वैसे. और कल का प्लानिंग आप देखते जाइए इस ब्लॉग में. मुझे बताना तो चाहिए था. और मुझे नहीं लगा था इनका बजट 500 का बजट होगा. फिर भी मिल गया मुझे. मुझे 1000 का चाहिए वैसे. देखा जाएगा जाएगा. एडा, आज है 13th जुलाई, मीन्स आज मेरा बर्थडे है. तो इस बर्थडे को कुछ स्पेशल बनाने के लिए आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे पेड़ लगाकर. तो मेरे एक सीनियर हैं मिस्टर प्रणव ज्योति मुंडे, जो अपने बर्थडे में हर साल पेड़ लगाते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार मैं भी इसकी शुरुआत करूँ. तो आज मैं लगाने जा रही हूँ फ्रूट प्लांट्स, ऑरेंज और जामुन, मीन्स ब्लू पेड़. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पेड़ लगाने से पहले एक बार भगवान के दर्शन कर लेते हैं, मतलब माथा टेक लेते हैं. उसके बाद फिर पेड़ लगाएंगे. तो चलिए मेरे साथ. बर्थडे गर्ल यहाँ पे गोबर लेने के लिए आई है. जैसा कि वो प्लांट लगाएगी, उसने प्लान किया था, तो उसके लिए अभी गोबर कलेक्ट करने आई है. यहाँ पे हमारा एक फील्ड है, तो वहाँ पे ऐसे गाय रहते हैं, तो वहीं से हम गोबर कलेक्ट करेंगे. कत्ती राबरी देखेगी गोबर उठाई रहा है वो तो. हाँ, कत्ती राबरी देखेगी सच्चे. ये क्या कर रही हैं आप? ये है ऑरेंज का पेड़ प्लांट. तो हम इस प्लास्टिक को निकाल लेंगे और फिर इसे हम लगाएंगे. यहाँ पे अभी दीदी मिट्टी को गुड़ा कर रही है. यहाँ पे हम प्लांट लगाएंगे. कौन सा प्लांट लगाएंगे आप? ऑरेंज का प्लांट लगाएंगे. अब हम गोबर को मिट्टी के साथ मिक्स कर रहे हैं. उसके बाद हम यहाँ
चैनल को। ये हमारा प्लांट लग चुका है, अब इसमें दीदी डालेगी पानी। तो हमारा प्लांट लग चुका है और अभी बहुत गर्मी लग रही है, तो हम लोग थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे यहाँ के पास की टेंपल में, सीता जोखला टेंपल। तो वहाँ पे थोड़ा रील्स भी बनाएंगे, तो चलिए आपसे सीधा वहीं पे मिलते हैं। तो हमने बंदरों को वहाँ पे खाना मतलब बिस्किट खिला लिया है, तो जैसे कि यहाँ पे बिस्किट को लाते इतने सारे बंदर आ गए थे, तो वैसे हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में भी चावल छिड़कते बहुत सारे कबूतर आते और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ बहुत सारे कबूतर हैं, तो चलिए आपको वहाँ उनसे मिलवाते हैं। तो हम मंदिर में पहुंच गए हैं, बस थोड़ा सा और, ये आप सीढ़ी देख रहे हो, यही है मंदिर, इसके ऊपर मंदिर है। तो यहाँ पे अभी दीदी कबूतरों को चारा देगी, तो देखना आप कैसे बहुत सारे कबूतर एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये है हमारा सीता जोखला मंदिर के अंदर। देखिए यहाँ पे और एक अंकल भी आए हैं, वो भी कबूतरों को दाना दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कबूतरों को बंदरों को खाना खिलाते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर लंच कर लिया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, पर उस मोमेंट को हम कैप्चर करना भूल गए क्योंकि हम बहुत ही जल्दबाजी में थे और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसलिए अब आगे का ब्लॉग देखते चलिए। हाँ
अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। कल हम बहुत थक गए थे इसलिए हम लास्ट वाला टेक नहीं ले पाए, अभी इसको हम क्लोज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारे व्लॉग में सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। आज का जो हमारा व्लॉग था ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था, हमने फर्स्ट ट्राई किया। अगर कोई गलती हुई हो तो आप बता दीजिएगा, उसे हम दूसरे व्लॉग में ज़रूर ठीक करेंगे। तो मैंने अपने एक सीनियर से सीखा था कि किसी से कुछ लेने से पहले कुछ देना सीखे। तो मैंने भी अपनी तरफ से एक छोटा सा ट्राई किया कि अगर मैं अपने बर्थडे पर किसी को थोड़ा सा भी खुश कर पाऊँ तो मैंने किया। इस वीडियो पे कोई हेट या फिर हेट कमेंट ना करे या फिर कोई ये ना बोले कि शो करें दिखावा करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी कोशिश की कि किसी की थोड़ी मदद कर पाऊँ और अपने बर्थडे को कुछ स्पेशल बना पाऊँ। तो हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।